everyone. How are you all doing? The chapter which we're starting today is Synthetic Fibers and Plastics, which is chapter 3 of class 8 science. जो भी हम फैब्रिक्स पहनते हैं वो फाइबर्स से बना होता है और फाइबर्स नेचुरल सोर्सेज से आते हैं, बी प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज, उन्हें नेचुरल फाइबर्स कहा जाता है और जो फाइबर्स फैक्ट्रीज में मैनमेड होते हैं उन्हें सिंथेटिक फाइबर्स कहा जाता है। कॉटन, कॉटन जो है वो एक नेचुरल फाइबर है, वो प्लांट से लिया गया है। वूल, सिल्क, नेचुरल फाइबर्स जो है वो भी एनिमल्स से लिए गए, नेचुरल सोर्सेज, इसलिए उन्हें नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स जैसे नायलिन, रेयन, एक्रिलिक, ये मैनमेड है फैक्ट्रीज में, इसीलिए उनको सिंथेटिक फाइबर्स कहा जाता है। अब ये सिंथेटिक फाइबर्स बनते कैसे हैं? आपने कई बार देखा है, हम जब छोटे होते थे हम बीड्स से एक नेकलेस बनाते थे या बहुत सारे पिंस को अगर अटैच कर दे तो वो कैसा सा अपीयरेंस देगा। तो वैसे ही सिंथेटिक फाइबर भी पॉलीमर है। पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट। वो छोटे छोटे यूनिट से बना है जो कि खुद में केमिकल सब्सटेंसेस है जिन्हें मोनोमर्स कहा जाता है। सो पॉलीमर्स जो फाइबर्स है हमारे, वो बेसिकली किससे बने होते हैं? वो मोनोमर्स, छोटे छोटे यूनिट्स, छोटे छोटे केमिकल सब्सटेंसेस से बने होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेयन की। सिल्क, जो कि सिल्क वॉर्म से लिया जाता है, वो सबसे पहले बना चाइना में। चाइना ने बहुत टाइम तक इसका राज अपने पास रखा, इसका सीक्रेट जो था वो अपने पास रखा, किसी को नहीं बताया। कितने साल लोगों ने कोशिश की इसको रेप्लिकेट करने की, लेकिन नहीं कर पाए। उसकी सुंदरता की वजह से बहुत से साइंटिस्ट इसके पीछे पड़े थे, बहुत से लोग इसके पीछे पड़े थे, पर कुछ नहीं हो पाया। हाँ, बट बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी एक मिलता जुलता जो था एक फाइबर बना लिया गया जिसे रेयन कहते हैं। और वो कैसे बना? वो वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से बना। अब आप बोलेंगे वुड पल्प तो नेचुरल है, तो फिर इसे आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर क्यों कहा जाता है? बिकॉज अल्टीमेटली ये वुड पल्प को यूज करके बनाया तो मैन ने फैक्ट्रीज में ही ना, ये नेचुरली थोड़ी ना ऑब्टेन किया हमने। ये फाइबर सिल्क से चीप भी है, प्लस सिल्क की तरह डिफरेंट वैरायटीज में यूज, डिफरेंट चीजों में यूज हो सकता है। प्लस ये इतना फ्रेंडली है कि कॉटन के साथ मिलके बेडशीट्स बनाता है, तो वूल के साथ मिलके कारपेट्स बनाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नायलॉन की। नायलॉन फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर्स हैं। अब नायलॉन वर्ड कहां से लिया गया? NY इज टेकन फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड LON इज टेकन फ्रॉम लंडन। सोचिएगा जरूर कि ऐसा क्यों हुआ कि न्यूयॉर्क और लंडन को यूज करके नायलॉन क्यों बना। एंड अगर आपको पता है तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। थोड़ा सा क्यूरियोसिटी तो लाइफ में रहनी चाहिए। अब नायलॉन जो है वो क्या है, उसको डिटेल में समझते हैं। ये 1931 में बना फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर भी बोला जाता है। ऑल्सो ये किस किस चीजों से बना? कोल, वॉटर एंड एयर से बना। अब प्रॉपर्टीज क्या है उसकी? बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लाइट, लस्ट्रस दैट इज शाइनी, इजी टू वॉश, एंड इसलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है कपड़े बनाने के लिए। ऑल्सो इसके यूजेस की बात करें तो सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रशेस, जो कार की सीट्स हैं, बेल्ट हैं, यू हैव स्लीपिंग बैग्स, कर्टन, सो मेनी थिंग्स। ये बोला जाता है कि नायलॉन की जो स्ट्रेंथ है वो तो स्टील वायर से भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। तो नायलॉन जो है वो इतनी वैरायटीज के लिए यूज किया जा सकता है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ ऑल्सो। अब हम बात करते हैं पॉलिएस्टर की। पॉलिएस्टर की प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए तो क्या क्या है? फर्स्टली क्रिस्प रहता है, बहुत जल्दी रिंकल नहीं होता है, इजी टू वॉश है, एंड दैट इज वाई ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए काफी ज्यादा इसको यूज किया जाता है। काफी ज्यादा शर्ट्स पॉलिएस्टर से बनी है। टेरिलीन इज अ वेरी वेरी फेमस फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर, और साथ ही एक और कॉमन फॉर्म है पॉलिएस्टर की, विच इज पेट, जिसे हम बॉटल्स में सुनते हैं, पेट बॉटल्स सुना होगा आपने, तो वो भी एक फॉर्म है पॉलिएस्टर की ही। अब आपकी क्यूरियोसिटी आएगी कि पॉलिएस्टर मतलब क्या है, पॉलिएस्टर नाम कहाँ से आया है। पॉलिएस्टर दो वर्ड से बना है, पॉली और एस्टर्स। पॉली मीन्स मैनी
और esters chemical substances हैं। तो basically chemical substances के repeated units को add करके polyester बना है। और जो esters होते हैं basically उनकी fruity smell होती है, वो fruits को भी, इनफैक्ट जो उनके पास द स्मेल दे पोजेस वो esters की वजह से होती है। अब आपने नोटिस किया होगा कि हम सर्दियों में जो शॉल्स और स्वेटर्स पहनते हैं वो हमें बेसिकली कोल्ड टेम्परेचर से बचाता है। हम हमेशा नेचुरल वूल से बनी चीजें नहीं पहनते क्योंकि कई बार वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होती हैं। तो जो हम पहनते हैं वो सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रिलिक से बना होता है। अब एक्रिलिक जो है उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी रिजेम्बलेंस जो लुक में है वो बिल्कुल वूल जैसी होती है। पर एक्रिलिक के फीचर्स क्या है? अगर हम एक्रिलिक के फीचर्स की बात करें तो वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स में ये अवेलेबल है, साथ ही साथ अफोर्डेबल है। दैट इज वाई वो ज्यादा पॉपुलर है वूल से भी ज्यादा, बिकॉज हर तरह के लोग उसे अफोर्ड कर सकते हैं विंटर सीजन में। हमने इतने सारे फायदों की बात कर ली सिंथेटिक फाइबर्स की, लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस या उसके नुकसान की तो बात ही नहीं की। क्लास 6 में हमने देखा था कि अगर नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स को बर्न किया जाए तो क्या होता है। तो हमने ये देखा था कि अगर सिंथेटिक फाइबर्स बर्न होते हैं तो वो मेल्ट होके हमारी बॉडी से स्टिक हो जाते हैं, जो कि बहुत नुकसानदायक है, बहुत सीवियर बर्न्स कर सकता है ये हमारी बॉडी में। इसलिए हमें लैब्स और किचन में सिंथेटिक फाइबर्स पहनना अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज दे कैन मेल्ट एंड स्टिक टू आर बॉडी और वो काफी डिजास्ट्रस रिजल्ट्स दे सकता है। अब हम बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। जो भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो बहुत सारी प्रोसेसेस से बनता है। किसको यूज करके? रॉ मटेरियल्स को यूज करके ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन, जिन्हें पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। अब सिंथेटिक फाइबर्स की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। अगर इनके बारे में बात करें तो ये जो है बहुत यूनिक कैरेक्टरिस्टिक वाले हैं, इसीलिए ड्रेस मटेरियल के लिए बहुत पॉपुलर माने जाते हैं। क्या क्या है फीचर्स इनमें? वो बहुत जल्दी ड्राई अप हो जाती हैं, ड्यूरेबल है, कम एक्सपेंसिव है। जैसे आपने देखा कि एक्रिलिक जो है वो वुल से कम एक्सपेंसिव है, और सिल्क बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था तो उसकी जो कॉपी थी वो काफी सस्ती थी एंड सब लोग उसे कंज्यूम कर सकते थे, यूज कर सकते थे। इजी टू मेंटेन है, रेडीली अवेलेबल है, एंड इन्हीं फीचर्स की वजह से दे आर वेरी पॉपुलर सिंथेटिक मटेरियल, वेरी पॉपुलर मटेरियल फॉर ड्रेस मटेरियल्स। थैंक यू, नो वेरी गुड डे। और कोई भी डाउट के लिए आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। बाय।